वेलकम बैक टू सक्सेस.com, आपका अपना चैनल है ना। सो वी आर कंटिन्यूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। टुडेज टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले लेंथ की एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। बहुत तेज हो रहे हो। एसआई यूनिट क्या है लेंथ की? हमें पता है मीटर, लास्ट लेक्चर में बता दिया था, है ना। ऐसा यूनिट है मीटर। सो आपके पास डेफिनेशन आती है लिखने को, व्हाट इज वन मीटर। वन मीटर है क्या, किसने डिफाइन किया, किस चीज को हम वन मीटर लेते हैं। अब वन मीटर ऐसा थोड़ी है कि वन मीटर हमने बोल दिया हाँ अपने हिसाब से इतना है, या कोई लोग ऐसे ले लेते हैं। नहीं, वन मीटर एक स्पेसिफिक लेंथ है, ठीक है। जो वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं सब पूरे दुनिया भर के, उन्होंने मिलके एक वन मीटर को डिसाइड करके रखा है कि हाँ वन मीटर इतना होगा, वर्ल्ड वाइड इतनी ही डिस्टेंस को वन मीटर कहेंगे। सो सी व्हाट इज वन मीटर। दिस इज अ रॉड, ओके। दिस रॉड इज मेड अप ऑफ प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय, ओके। प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय, इन विच प्लैटिनियम इज 90%, इरिडियम इज 10%, ओके। दिस रॉड इज केप्ट एट 0 degree Celsius टेम्परेचर, और कहां रखी है, इसको रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये जगह है कहां पे, SERVS, सर्व्स नियर पैरिस, पैरिस के पास। तो सी अब इतना डिटेल आपको बता दी, तो वन मीटर क्या होता है। नाउ सी, एक रॉड ली प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय, ठीक है। अब इसके ऊपर टू पॉइंट्स मार्क कर दिए, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ओके। सो वन मीटर की डेफिनेशन क्या होगी, बहुत ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स, डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स ऑन प्लैटिनियम इरिडियम रॉड, प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय रॉड, ठीक है, in which platinum is 90%, iridium is 10%, and the rod is kept at 0 degree Celsius, और कहां रखी है, at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris। ये सब कहां है, ये जो हमारा एक संस्था है, this is an organization, कहां पे है ये, ये है at Sèvres near Paris, okay। so this distance is 1 meter। अब ये distance change नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, आपने 0 degree पे रखा है वहां पे, सो नो थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन इज देयर, एक कांस्टेंट लेंथ रहेगी। सो कह दिया हमने हाँ प्लैटिनियम इरिडियम ये आसानी से क्या है, खराब नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, ओके। सो प्लैटिनियम इरिडियम की एक रॉड इसको यूज किया, 0 degree Celsius पे रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व नियर पैरिस। सो दिस वॉज अ डेफिनेशन ऑफ 1 meter। सो नाउ यू कैन इजिली डिफाइन व्हाट इज 1 meter। 1 meter इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स on platinum iridium alloy rod kept at 0 degree Celsius at International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris। Hope so, आपको समझ में आ गया होगा, okay। This was all about 1 meter। Next, ये definition थी थोड़ी पुरानी, old definition, okay। इसके बाद definition को थोड़ा नया किया गया, definition को क्या किया गया, नया करा, डेफिनेशन को आप इस टर्म में लेकर आए, लाइट स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में। अब जो हम वेट की डेफिनेशन, सॉरी लेंथ की डेफिनेशन, मीटर की डेफिनेशन यूज करते हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में यूज करते हैं, ओके। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट नेवर चेंजेस, वो एक बहुत अच्छा मेथड है आपको डिफाइन करने का। सो लेट्स सी वो क्या होता है। ओके, so the other definition is this one, it was the next definition was given in 1983। so this 1 meter is the distance traveled by light in vacuum,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/2997924.58 आसानी से याद हो जाएगा, फोन नंबर की तरह याद कर लेना, 1/2997924.58 पार्ट ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड के आप इतने पार्ट्स कर दो, एक सेकेंड को इससे डिवाइड कर दो, तो वो छोटा सा जो टाइम निकलता है उस टाइम में लाइट कितनी तेज ट्रेवल कर रही है या कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट डिस्टेंस इज 1 मीटर। सो 1 मीटर की दो डेफिनेशन आप लोगों को बता दी, फर्स्ट डेफिनेशन इज इन द टर्म्स ऑफ द प्लैटिनियम एंड इरिडियम एलॉय रॉड, ओके, कि दो मार्क्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और सेकेंड डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, तो आप दोनों आराम से लिख सकते हैं कि इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1/2997924.58 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। सो वेरी सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट मीटर, ऐसा यूनिट पढ़ ली, ओके। अब बात करेंगे बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट्स के बारे में कि लेंथ की बड़ी यूनिट्स क्या होंगी। अब मीटर से बड़ा आप लोगों ने पढ़ा है किलोमीटर, ओके, और क्या होता है छोटी यूनिट्स में आप लोगों ने पढ़ा है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सो इनको अभी डिस्कस करते हैं, ओके। सो सबसे पहले सब यूनिट्स ऑफ मीटर, सब यूनिट्स मींस छोटी यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मीटर। सो मीटर के नीचे आएंगे हम लोग, सबसे पहला मिलता है हमें सेंटीमीटर, तो सबसे पहली यूनिट है सेंटीमीटर, ओके। सेंटी का मतलब बताया था, अगर आपको बोलूं 1 सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटी का मतलब होता है 10^-2 एंड मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10^-2 मीटर, और यू कैन से 1 मीटर के 100 पार्ट कर दूंगा तो 1 सेंटीमीटर बनेगा। नेक्स्ट है आपका मिलीमीटर, 1 mm क्या होगा, मिलीमीटर क्या होगा, मिली का मतलब होता है 10^-3 और मीटर रख दो, सो क्या हो गया 1 mm इक्वल्स टू 10^-3 मीटर, मींस 1 मीटर को 1000 times डिवाइड करेंगे, सो जो आपका छोटा सा पार्ट निकलेगा दैट इज 1 mm। अगर अब आपको mm को चेंज करना है सपोज सेंटीमीटर में, कि 1 mm बराबर कितने सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, सपोज ऐसा करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, सो आप इसको आसानी से यहां पे चेंज कर सकेंगे, जैसे कि देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10^-2 मीटर होता है, ओके। अब आपको बोला 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं वो निकालिए, तो देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10^-2। अब देखेंगे 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने mm होंगे, 1 मीटर में अगर इस पावर को मैं नीचे ले आऊं, या इसको कट कर स्टॉप कर दे, सो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10^-3 मीटर, मीटर को 1000 times डिवाइड करेंगे 1 mm निकलेगा। नेक्स्ट है आपका माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, सो 1 micro का इस तरह से बनता है म्यू एंड देन मीटर, सो म्यू का मतलब होता है 10^-6 देन मीटर, वेरी क्लियर। नेक्स्ट आती है यूनिट आपकी माइक्रोमीटर के बाद नैनोमीटर, NaNo, नैनोमीटर, नैनो को याद रख सकते हैं 9 से, 1 nanometer इक्वल्स टू 10^-9। So, ये जस्ट एक कॉमन है, देखिए ये आपके प्रीफिक्सेस थे एंड दिस आर द मेन यूनिट्स, ओके। सो ये देखा हमने छोटी यूनिट्स ऑफ मीटर हमारी ये होती हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और भी आप जितने लगाएंगे डेसीमीटर लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपका छोटा होता चलेगा। तो बेसिकली वी यूज द कॉमन जो यूनिट्स है हमारी वो यही यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ओनली दिस वन, ओके। अब आते हैं बिगर यूनिट्स पे, अगर आप बिगर यूनिट्स देखें, बिगर यूनिट तो सिंपल है, मेट्रिक में एक ही है, बिगर यूनिट क्या है किलोमीटर, सो किलो का मतलब होगा 10^+3 मीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है 10^3 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 किलोमीटर में 1000 meters होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, किलो आया सो इधर आ गया, सो थोड़ा डिस्प्लेस रखना है, दिस इज स्मॉल, ओके, तो 1 किलोमीटर आ गया आपका, ओके। सो दिस वॉज द मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ के अंदर जितनी मेट्रिक यूनिट्स है ये। अब हमें स्टडी करना है नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, ओके। सो अभी देखेंगे नॉन मेट्रिक के बारे में,
नॉन मेट्रिक यूनिट्स में हमारे पास तीन यूनिट्स हैं जो बिगर यूनिट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पासेक। ओके, सबसे पहले बढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या, आपको पता है ये हमारा सन है एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ओके, सो द मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसे कहते हैं वो हमारी वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, सो द मीन डिस्टेंस, मीन मीन एन एवरेज डिस्टेंस, बिकॉज कभी कम है कभी ज्यादा है, सो वी हैव टेकन एन एवरेज, अ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर्स। ओके, सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। सो यू कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दैट इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, लाइट एंड ईयर। ओके, सो इट इज Distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by light in 1 year. Okay. So what is distance? Distance equals to speed into time. Okay. Distance traveled by light in 1 year. What is the speed of light? 3 into 10 to the power 8. And time is 1 year. So instead of 1 year, you can write. Instead of 1 year, you can write 365 days. And each day has 24 hours and each 24 hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. So when you solve all this, so one light year comes 9.46 into 10 to the power 15 meters. It comes 9.46 into 10 to the power 15 meters. So light, value of one light year is itna. So you can see the definition. One light year is the distance traveled by the light in 1 year. It is a light year, and light year ki value, one light year equals to 9.46 into 10 to the power 15 meter. It is frequently asked in exam. Okay, so this is important one. This one also and this also. Then comes, if you have to change it in kilometers, so what you will do? Suppose one light year is asked in kilometers. Okay. So 9.46 into 10 to the power 15, ये तो ऐसी है। अब देखेंगे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 10 to the power minus 3 किलोमीटर होते हैं। ओके, सो आई कैन सी दिस 9.46 into 10 to the power 12 किलोमीटर। सो वन लाइट ईयर की दो वैल्यू निकल गई आपके पास, जो आपका मन करे वो आप याद कर सकते हैं, चाहे मीटर्स में कर लें चाहे आप उसको किलोमीटर्स में लर्न कर लें। सो दिस वाज द लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर। नाउ सी द नेक्स्ट यूनिट इज पार्सेक। सो पार्सेक क्या है, इट इज द बिगेस्ट यूनिट। ओके, जब आप बड़ी बड़ी, ये तीनों यूनिट ऐसी है जब आपको बहुत ज्यादा हेवनली बॉडीज की आपको डिस्टेंस नापनी है, लेंथ एंड रेडियस एंड ऑल ये सब करना है, सो हम ये सब यूज करते हैं, तीनों यूनिट्स का यूज करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ी यूनिट है हमारी पार्सेक। ओके, नाउ सी व्हाट इज पार्सेक। सो इट इज, नाउ सी सबसे पहले देख लें क्या है, this is sun, this is earth, okay? The shape of the orbit of earth, ये जो orbit है इसकी shape क्या है, elliptical है, okay? An ellipse has two axis, one axis is this one and one axis is this one. ये छोटी वाली है, इसको कहते हैं हम minor axis and इसको कहते हैं हम major axis, okay? So जो हमारी parsec है, पार्सेक में क्या करना है, हमें माइनर को नहीं लेना, ध्यान रखेंगे माइनर नहीं और मेजर भी पूरी नहीं, हम देखेंगे ओनली सेमी मेजर एक्सिस। कौन सी सेमी मेजर, मींस हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, ये पूरी मेजर थी सेमी मेजर। ओके, सो सी
क्या होता है, अब ये सेमी मेजर एक्सिस, ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस है, अब ये सेमी मेजर एक्सिस कितने डिस्टेंस पर, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है, ये सेमी मेजर एक्सिस कितने डिस्टेंस पर 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है। सपोज ये एक्सिस ये रही, अब कोई पॉइंट स्टार, कोई स्टार है या कोई पॉइंट इधर है, एंड सपोज वी ज्वाइन दिस बोथ, ओके, अगर ये एंगल, अगर ये एंगल आपका 1 सेकंड है, 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या होता है, देखिए 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ओके, एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड्स, ओवरऑल 1 सेकंड क्या हो जाएगा 1/3600 ऑफ डिग्रीज। सो इतना एंगल अगर ये सबटेंड कर रही है, मींस इनको मिलाकर अगर ये एंगल बन रहा है, सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ये 1 पार्सेक है, ये डिस्टेंस क्या है 1 पार्सेक है, दिस 1 डिस्टेंस। सो और ये डिस्टेंस क्या होगी सन से लेकर अर्थ तक की, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड वी से इफ दिस एक्सिस मीन सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड, वो कितनी डिस्टेंस पे सस्पेंड करता है, सबटेंड करता है, दैट डिस्टेंस इज 1 पार्सेक, ओके। सो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ सबटेंड एट एंगल ऑफ 1 सेकंड, सो कितने डिस्टेंस से वो एंगल ऑफ 1 सेकंड सबटेंड कर रहा है, ओके। सो दिस वाज अबाउट पार्सेक। देन कमिंग टुवर्ड्स वैल्यू ऑफ पार्सेक, तो सी हाउ मच इज द 1 पार्सेक, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर्स, और यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लाइट ईयर फॉर्म 3.26 लाइट ईयर। सो दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर इट। अच्छा वन चीज मिस हो गई, एक चीज देखिए, पार्सेक 2 शब्द से बना है, 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है, पार एंड सेक, पार आया पैरेलल से, एंड सेक आया है आर्क सेकंड से, आर्क सेकंड से। सो क्या है पैरेलल, क्या है, देखो आपको जब मैंने एक्सिस बताई ये सन था, सो अर्थ एक बार यहां है और घूम फिर के अर्थ यहां पे आएगी, सो दिस इज द पैरेलल, ओके। सो इधर हमने लिया है, दिस इज द दैट पैरेलेक्स, पैरेलेक्स और पैरेलल दैट कम्स फ्रॉम कि कितना शिफ्ट हो रहा है, ओके, कितना शिफ्ट हो रहा है। अगर अपना हैंड ऐसे रखेंगे और अगर आप अपनी लेफ्ट आई क्लोज करेंगे सो आपको दिखेगा हैंड इधर, राइट क्लोज करेंगे तो हैंड थोड़ा इधर शिफ्ट होता है, दैट इज पैरेलेक्स। सो ऐसे ही अर्थ क्या करती है, कुछ टाइम में शिफ्ट हो रही है, वो घूम के आ रही है, सो दैट इज द पैरेलल। सो पैरेलल आ गया, पैरेलेक्स, देन आर्क सेकंड मींस दैट आर्क इज सबटेंडिंग द एंगल ऑफ 1 सेकंड, सो यहां से आया sec, ओके, यहां से आया sec, दैट इज पार्सेक। सो दिस वर ऑल अबाउट द नॉन मेट्रिक यूनिट्स एंड द नॉन मेट्रिक बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये नॉन मेट्रिक है और बड़ी यूनिट है लेंथ की। अब देखते हैं नॉन मेट्रिक स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट्स। अब बड़ी यूनिट किस लिए यूज करी, बड़ी यूनिट यूज करी हमने बड़ी बड़ी चीजें मेजर करने के लिए, लाइक प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस, ओके, रेडियसेस एंड ऑल, स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, ओके, गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस। स्मॉलर यूनिट्स छोटी छोटी चीजें जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनकी आपको रेडियस बताना है एटम का, या आपको ये बताना है कि एक एटम का साइज कितना है, दैट इज रेडियस, कि सेंटर से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, या जो भी है, तो उसका साइज, जो एटॉमिक साइज में बात करते हैं, तो हमारी जो नॉन मेट्रिक में एक यूनिट आती है हमारी एंगस्ट्रॉम, सबसे पहली यूनिट आती है हमारी एंगस्ट्रॉम, TRON, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी, जैसे वेवलेंथ वगैरह आप लोग नापते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजों में काम आती है। तो एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ए और उसके ऊपर छोटा सा नॉट, ओके। So angstrom is this, and what is 1 angstrom? 1 angstrom equals to 10⁻¹⁰ of meter. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, काफी numericals में काम आएगा। 1 angstrom equals to 10⁻¹⁰ meters. Okay? So 1 angstrom is the this much part of 1 meter. Next unit आती है आपके पास Fermi. Fermi, Fermi. Okay? Now Fermi क्या है? फर्मी होता है
वन फर्मी इक्वल्स टू 10^-15 ऑफ मीटर, उससे भी बड़ी, उससे भी छोटी यूनिट है। देन नेक्स्ट आएगा नैनोमीटर, नैनोमीटर पता है आपको एन एम, सो वन नैनोमीटर कितना होता है 10^-9। सो दीज वर द नॉन मेट्रिक स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ओके, दिस इज अ मेट्रिक यूनिट, इसको आप देख सकते हैं मेट्रिक है, पर ये दोनों हमारी क्या नॉन मेट्रिक यूनिट है, बट जो स्मॉलर लेंथ के लिए यूज करते हैं उसको हम नैनोमीटर्स को भी इसके अंदर काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉलर यूनिट्स में। कभी आप वेवलेंथ वगैरह एक्सप्रेस करेंगे तो मोस्टली आपको नैनोमीटर्स या फिर एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में मिलती हैं, ओके ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीटर, मीटर हमने पढ़ लिया, देन सब यूनिट्स, सुपर यूनिट्स, बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट, मेट्रिक यूनिट्स, नॉन मेट्रिक यूनिट्स, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट लेंथ, लेंथ का आपके पास इतना ही है, आपने यही सब याद रखना है। ओके, अब आते हैं मास की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ मास। अब मास के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आपको पहले बता दिया मास की एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। गुड, ठीक है, मास की जो एसआई यूनिट है वो है हमारी किलोग्राम, ठीक है, के एंड जी। ओके, किलोग्राम, किलोग्राम को हमने डिफाइन करना है, वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे लेंथ डिफाइन किया था। अब लेंथ में दी थी एक रॉड प्लैटिनम इरिडियम की, यहां हम बोलेंगे एक सिलेंडर है, एक क्या है, सिलेंडर है आपके पास, और उस सिलेंडर का मास, वो सिलेंडर किससे बना है, वो सिलेंडर बना है प्लैटिनियम इरिडियम एलॉय से, सेम वही चीज है इसके अंदर 90% और 10% का, ठीक है। कहां पे रखा है इसको भी, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। सो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द मास ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पीस ऑफ व्हाट, प्लैटिनियम इरिडियम अलॉय, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स नियर पेरिस। सो दिस इज अबाउट 1 किलोग्राम। अब ये डेफिनेशन ऑब्सोलेट है, ये पुरानी डेफिनेशन है। अब क्या हुआ, अब हम लोग जो लास्ट ईयर आई थिंक ये डेफिनेशन, नई डेफिनेशन इसके लिए कॉइन की गई है कि जो 1 किलोग्राम है, अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट से। जो न्यू डेफिनेशन है आपकी, अगर आपके एग्जाम में आए भी लिखे नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो नई डेफिनेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो आपके सिलेबस में भी इतना इंक्लूडेड नहीं है। नई डेफिनेशन में हम लोग किलोग्राम को जो है 1 kg, जो केजी किलोग्राम है ना, इसको हम लोग प्लांक्स PLAN प्लांक्स कांस्टेंट के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। और मेजर क्या किया जाता है, आप देखेंगे एक मिनट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 × 10^-34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। याद नहीं रखनी है आपने, ये एक्स्ट्रा है। ओके, सो नए वाली डेफिनेशन में किलोग्राम को हमने प्लांक्स कांस्टेंट के टर्म्स में हमने क्या किया है, डिफाइन किया है। और याद रखेंगे कि जो नई डेफिनेशन है इसमें जो चीजों का मास है, मास को प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रो वेव्स के थ्रू हमने क्या करा है, मेजर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है, बैलेंस यूज नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यूज करते हैं, और उससे हमारा इसके अंदर हमारा प्लांक्स कांस्टेंट यूज होता है, बिकॉज दैट इज यूज्ड इन लाइट्स एंड ऑल, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर है। सो और याद रखेंगे इसको अगर हम मेजर करते हैं तो कौन से बैलेंस से मेजर करते हैं, किब्बल बैलेंस बोलते हैं उसको, किब्बल बैलेंस जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं किब्बल बैलेंस, ठीक है। सो इसमें कोई ऐसा डिटेलिंग में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको इतना याद होना चाहिए कि नई डेफिनेशन जो आई है उसको, उसमें हम लोग किलोग्राम को प्लांक्स कांस्टेंट के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, वन प्लांक कांस्टेंट इतना होता है, मेजर करते हैं चीजों को केबल बैलेंस से बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, सो ये था हमारा
उसके बारे में, किलोग्राम के बारे में। अब जब अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। ओके, सब यूनिट्स यानी इससे छोटी यूनिट्स देखते हैं कौन कौन सी है। आपको अच्छे से पता है किलोग्राम से छोटा ग्राम। ओके, तो सबसे पहली यूनिट आ गई ग्राम। आपको पता है ग्राम क्या होगा, 10^-3 केजी और 1/10^3000 kg। 1 ग्राम इक्वल्स टू इतना, अगर 1000 को उधर लेके जाऊं तो क्या होगा, 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg। एंड यू नो दैट वेरी वेल, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, ठीक है। सो याद क्या रखना है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10^-3 kg। ये आ गई एक छोटी यूनिट, सब यूनिट। नेक्स्ट यूनिट आती है आपके पास मिलीग्राम। मिलीग्राम, ठीक है। अब मिली का मतलब होता है 10^-3, गुड, और इतना ग्राम। ओके, ठीक है। अभी किसमें कि चेंज किया, मिलीग्राम को आपने ग्राम में चेंज किया, लेकिन अगर आपने मिलीग्राम को किलोग्राम की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सो कैसे करेंगे, आपने लिखा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10^-3 ग्राम। ओके, अब आपको पता है 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम होता है 10^-3 kg। सो मैं लिख सकता हूं 1 mg इक्वल्स टू 10^-3, ऐसी रहेगा ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इनटू 1 ग्राम। ओके, नो इश्यू। सो 1 ग्राम को लिख सकता हूं अब 10^-3 kg। ओवरऑल क्या होगा, ये अब एड अप हो जाएंगे। सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10^-6 kg। सो ये हमारा किलोग्राम के अंदर भी चेंज हो गया। सो दीज वर द 2 सब यूनिट्स ऑफ मास, ग्राम एंड मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल्स टू 10^-3 kg एंड 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10^-6 kg। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द बिगर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स क्या क्या है, सबसे पहली बिगर यूनिट है बेटा क्विंटल, आप लोगों ने सुना भी होगा, एंड दूसरी है मेट्रिक टन। क्विंटल एंड मेट्रिक टन, ओके। सो व्हाट इज 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 किलोग्राम, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है। ओके, एंड 1 मेट्रिक टन, 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स, 1 टन 1000 किलोग्राम का होता है, इसको याद रखेंगे आप इन दोनों को। नेक्स्ट, अगर आपको टन को अब इसमें चेंज करना है क्विंटल्स में, तो कैसे लिखेंगे, 1 टन, 1000 को लिख सकता हूं 10 × 100 kg। अब 100 kg 1 क्विंटल के बराबर है, सो मैं लिखूंगा 1 टन इक्वल्स टू 10 × 1 क्विंटल। सो क्या आ गया, 1 टन इक्वल्स टू 10 क्विंटल्स। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। ये आ गया हमारा बिगर यूनिट्स ऑफ मास। ओके, अब आते हैं नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। नॉन मेट्रिक यूनिट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है छोटी छोटी बॉडीज के लिए और बड़ी बड़ी बॉडीज के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, नॉन मेट्रिक के अंदर सबसे स्मॉलर यूनिट नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। नॉन मेट्रिक के अंदर बच्चों 2 यूनिट आती है, एक यूनिट आएगी आपके पास अम्मू नहीं होता, इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, मजाक अपार्ट, जोक्स अपार्ट। देन कम्स सोलर मास यूनिट, सोलर मास यूनिट। ओके, अब ये अम्मू और सोलर मास यूनिट है क्या, तो समझेंगे इसको, सबसे पहले समझेंगे एएमयू को, ठीक है। सो आप देखेंगे एएमयू क्या है, ये है हमारी स्मॉलर यूनिट, ये हमारी स्मॉलर यूनिट है और ये हमारी बिगर यूनिट्स है। सोलर मास को यूज करेंगे आप प्लैनेट्स का मास निकालने के लिए, बड़ी बड़ी बॉडीज का, और इसको छोटी छोटी बॉडीज यानी कि इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी एटम का आप मास बताएंगे तो आप एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा
सो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, वहां पे भी एक्सप्लेन आपको ये किया जाएगा। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है आप ध्यान से समझेंगे। देखो अभी आपको बताया कि हमारा एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, MOL, मोल होती है यूनिट। ओके आप एक कॉन्स्टेंट याद रखना कि किसी भी चीज में चाहे एटम्स में लो चाहे आप मॉलिक्यूल्स में लो, क्या होता है वन मोल ऑफ सब्सटेंस कितना होता है 6.023 × 10³। ठीक है, अब आप बोल सकोगे कोई भी है, कोई भी सब्सटेंस है, सपोज अगर कार्बन है तो कार्बन का एक मोल के अंदर इतने कार्बन एटम होंगे। ठीक है, इसको अभी याद रखिए। और इस जो ये फिक्स्ड वैल्यू है, इस फिक्स्ड वैल्यू को बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, ये फिक्स्ड है। सो हमारा इसमें यहां पे क्या काम है बेटा, इसको देखेंगे। वन एटॉमिक मास यूनिट यानी एक एटम का मास कहीं ना कहीं हम इससे डील कर रहे हैं। सो ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा हमारा जो वन मोल ऑफ कार्बन है। ठीक है, वन मोल ऑफ कार्बन कितना अभी बताया आपको 6.023 × 10³ एटम्स। ओके, और इसका वेट कार्बन के वन मोल यानी इतने एटम्स का वेट होता है 12 किलोग्राम। इतने एटम का वेट होता है 12 किलोग्राम, तो वन का कितना हो जाएगा, वन एटम कितना वेट करेगा 12 upon 6.023 × 10³ kg इतना वेट करेगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि एक एटम का इतना वेट है। ठीक है, और अगर इसको भी अभी देखो, तो आपको एक एटम का वेट पता चल गया, और एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन होती है मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम। ठीक है ना, जो हमारी एटॉमिक मास यूनिट होती है ये होता है मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब एक एटम का मास इतना है, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगी, वन एटॉमिक मास यूनिट निकल जाएगी। इसको भी यानी एट एटम के मास को भी 12 टाइम्स डिवाइड करना है, तो 1/12 ऑफ वन एटम 12 upon 6.023 × 10³। ओके, सो आपका फाइनली जो निकलेगा इससे वन एटॉमिक मास यूनिट जो आपकी निकलेगी वो निकलेगी आपकी 1.66 × 10⁻²⁷ kg। यानी आप क्या बोलेंगे, जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये क्या है, मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एक कार्बन एटम के अगर मैं 12th पार्ट कर दूं, यानी उसका भी 12th पार्ट देखो, एक कार्बन एटम का मास उसको 12 बार डिवाइड कर दूं, सो जो मुझे मास मिलेगा दैट मास इज एटॉमिक मास यूनिट। सो आपको इसकी डेफिनेशन प्लस ये वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। आसान है, 1.66 × 10⁻²⁷ kg, आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट AMU। अब आते हैं बिगर यूनिट पे, सोलर मास यूनिट। नाउ सी, सोलर मास यूनिट क्या है, सोलर मींस सन मास, तो सन का कितना मास है दैट इज सोलर मास यूनिट। यानी कि ये बड़े बड़े प्लैनेट्स का मास यूज मास कैलकुलेट करने में ये यूनिट काम आती है। एंड ये होता क्या है, मास ऑफ द सन, वन सोलर मास यूनिट इक्वल्स टू द मास ऑफ सन, इक्वल्स टू द मास ऑफ सन। जो आपके पास सूरज दादा है ना, उनका जो मास है वही क्या होता है हमारा, वही होता है हमारा सोलर मास यूनिट। ओके, सो अब आप देखेंगे जो हमारा सोलर मास यूनिट है, सोलर मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, सोलर मास यूनिट की बच्चों वैल्यू होती है 2 × 10⁻², 2 × 1 सोलर मास यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻³० kg। यानी सन हमारा इतना ज्यादा भारी है। ओके, बहुत ज्यादा भारी है हमारा सन।
सो दिस इज ऑल अबाउट द मास ऑफ सन. और सोलर मास यूनिट क्या होती है? इट इज द मास ऑफ सन. जो आपका सन है उसका मास, और वो होता है कितना? 2 × 10⁻³० किलोग्राम. सो दिस इज वेरी सिंपल. ओके ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ मास. यू लाइक द वीडियो, प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ओके.